हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ डिज़ाइनर निशात मिर्ज़ा। गाइज, हम लोग सीख रहे हैं फैशन डिज़ाइनिंग। फैशन डिज़ाइनिंग में हम लोग सीख रहे हैं इलस्ट्रेशन। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे बोला, जो सब्सक्राइबर्स हैं, मैम हमें जो मैंने कम्युनिटी पर अपने इलस्ट्रेशन डाले हुए हैं लाइक दिस एंड ये सारे मैंने इलस्ट्रेशन जो बनाए हैं, तो वो लोग ये चाह रहे हैं कि हम इस तरीके से इलस्ट्रेशन करें। और सी, ये मैंने रात पोस्ट किया था, ये पड़ा है कम्युनिटी पे, और अभी मैं और इस तरीके से इलस्ट्रेशन सब लोग करना चाह रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगी कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, आपको इस तरीके का इलस्ट्रेशन आ जाएगा। और थोड़ा एनाटॉमी पे थोड़ा ज़ोर दीजिए। और जो मैंने आपसे बताया है कि मूव्स कैसे होते हैं, जो पोजेज होते हैं, लाइक आपके अगर फेशियल फीचर्स भी नहीं बना रहे तो भी चल जाएगा, क्योंकि मैंने एक इससे पहले एक डाला हुआ था सी, ये इस पे, इस वाले पर फेस कहीं भी फेशियल फीचर्स मैंने नहीं बनाया है, तो आप चाहें तो उसे ना बनाएं, और ये आप चाहें तो छोड़ दें, फेशियल फीचर पे इतना ज़ोर मत दीजिए, आप ड्रेस पे ज़ोर दीजिए। ये वाला मेरा जो बैक पोज है जो मैंने ड्रॉ करा था, इस तरीके से मैं पूरा मेरी ये, मैं कुछ ना कुछ खाली बैठती हूँ तो मुझे स्केचिंग ही करनी रहती है लाइक, तो प्रैक्टिस भी हो जाती है और मेरा कुछ ऐसे इस तरीके से बन जाते हैं, आप देख रहे होंगे। तो ये मेरा इलस्ट्रेशन वर्क है और थोड़ा बस प्रैक्टिस है। जो इस तरीके का वर्क चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको एनाटॉमी आ जाएगी, तो बहुत अच्छे से आपका इलस्ट्रेशन हो जाएगा। तो जैसे मैं आज आप लोग को बताने वाली हूँ हाउ टू ड्रॉ हैंड, बिकॉज ऑफ हैंड्स इसलिए ज़रूरी है। जो मेरा इलस्ट्रेशन ये वाला है, देखिए मैंने हैंड्स के मूवमेंट्स यहाँ शो किए हैं, तो इससे कितना अट्रैक्टिव इसका आउटफिट दिख रहा है। तो अगर आपको इस तरीके का अच्छा अट्रैक्टिव आउटफिट ड्रॉ करना है, जैसे जिसमें जो स्लीव्स के डिटेलिंग जिसमें शो हो एंड, तो उसके लिए ना हैंड पोजेस को ड्रॉ करना ज़रूरी है। तो आज मैं इसी को सिखाऊंगी कि जो हैंड पोजेज होते हैं लाइक दैट एंड लाइक दिस, तो मॉडल किस तरीके से अपने आप को, उसने हेयर्स को एक साइड से दिखाया हुआ, तो किस तरीके से हम उसे बना सकते हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, हम इसको बनाना सीख सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वाला चाहिए है इलस्ट्रेशन, तो इंस्टा पे पड़ा हुआ है, वहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपना शेयर भी कर सकते हैं। और इसके आप इंस्टा पे जाके मुझे फॉलो कर लीजिए, निशात मिर्ज़ा 15, और मेरे पेज पर भी इसकी रील्स वगैरह मैंने उसकी डिटेल्स डाली हुई है, वहाँ भी आप इसको मेरे पेज को लाइक कर सकते हैं। तो जल्दी से लाइक कर लीजिए एंड फॉलो कर लीजिए मुझे इंस्टा पे, फॉर बहुत अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट हाउ टू ड्रॉ हैंड पोज। ओके गाइस, तो देखिए मैं आपको हैंड्स के पोजेस बनाना बता रही हूँ। यहाँ से देखिए, सिर्फ हैंड अगर बनाते हैं, सी ये आपका शोल्डर्स पॉइंट है, सी सपोज दैट ये आपका शोल्डर्स पॉइंट है, तो ये आपके बस्ट की लाइन हो गई है, और यहाँ से आपकी बैक हो रही है। तो आपको करना क्या है, इस तरीके से सी यहाँ, और सबसे पहले जो हैंड होता है, मैं पूरा आपको समझा दूँ, जो हैंड पार्ट होता है वो होता है आपका सी, ये आपका जो है हिप लाइन हुई, ये हिप लाइन हो गई गाइस। तो ये आपके जो, ये आपको अच्छे से समझा दूँ, ये आपका ये वेस्ट लाइन हुई, ठीक इस तरीके से ये, और ये आपकी हिप लाइन हुई है, एंड दिस इज़ क्रॉच लेवल, क्रॉच लेवल होता है। तो अब इसका हैंड्स का जो तरीका होता है, लाइक आप अगर बना रहे हैं तो अपने हैंड्स को, ये आपकी नेक हो गया, नेक पार्ट, तो ये आपका शोल्डर जो कर्व इस तरीके से आप लेते हैं, तो ये जो आपका एल्बो पार्ट है गाइस, ये जो आप देख रहे हो सी, दिस इज़ द एल्बो, तो ये आपके ये बस्ट से स्टार्ट होगा यहाँ से, और ये आपका एल्बो पार्ट है, इस तरीके से ये बनाना है, ध्यान से देखिएगा। और ये आपका जो रिस्ट है, दिस इज़ द रिस्ट,
आप किसी भी तरीके से आप इसे बना सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। तो ये एल्बो से ही यहाँ टर्न होता है, सी ये देखिए ये ऐसा, एंड ये आपका, और ये आपका जो है पॉम एरिया, जो पॉम क्रॉच लेवल तक आना है, ध्यान दीजिएगा। कैसे भी आप डिज़ाइन इसे कर सकते हैं अच्छे से। अच्छा तो आप इस तरीके से इसे, बहुत इजी होता है ये ड्रॉ करना। इसको यहाँ से शोल्डर्स, ये आपका शोल्डर अप है, तो ये इस तरीके से यहाँ से, और ये आपका इस तरीके से डायगनली लाइन लेनी है ये यहाँ से देखिए, और ये आपका जो रिस्ट के लिए, तो ये हैंड इस तरीके से यहाँ पे आएगा, और ये आपका जो मैंने बताया ये टो, ये आपका थंब, और ये आपकी फिंगर्स। अभी आपको इतना ही सीखना है। ये इस तरीके से आपका ये हैंड्स यहाँ पे ड्रॉ हो जाएंगे। एंड सी नेक्स्ट हैंड, मैं आपको एक और बता देती हूँ लेक्चर से, एक और ये इसको हम पूरा ऐसे ही समझ लेते हैं, ये इरेज करते हैं। जो हैंड के मूवमेंट्स हैं उनको हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया कैसे लेते हैं। ये आपका ये डाउन जाएगा, ठीक है, और ये भी डाउन हो रहा है, और यहाँ ये जो कर्व से बन रहा है, बॉडी का कर्व हो रहा है, ये बहुत ही इसको आपको रखना है। और ये जो इनसाइड लाइन है गाइस, सी ये आपकी ऐसे वैसे, ये यहाँ से एक कर्व ऐसे शो होगा लाइक ऐसे, ये आपका पूरा हैंड का ड्रॉ होगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इस तरीके से हैंड को ड्रॉ करना सीखें, जिससे आपका जो क्लास ए ग्रेड का जो आप चाह रहे हो ना, वैसा आपको इलस्ट्रेशन बन जाए। अब सेकंड इस देखिए, मैं फ्री हैंड से कर रही हूँ गाइस, कोई ऐसा वो नहीं ले रही हूँ। सी जैसे ये मैं आपको दिखा दूँ कि दिस इज़ द शोल्डर पॉइंट, ओके, दिस शोल्डर्स हैं हमारे, एंड दिस इज बस्ट है, दिस लाइन फॉर, एंड दिस फॉर हिप, एंड दिस फॉर क्रॉच। तो इस तरीके से मैं यहाँ से, तो ये इस तरीके से आपको लेना है पूरा, इसको इस तरीके से बनाइए समझ करके, जो पता चले आपको कि हाँ आप इस तरीके से अपने इसको बना रहे हैं, ऐसे आ जाएगा। अब सीधे जो पोज है हैंड का गाइस, ये आपका हैंड है, तो ये कहाँ तक जाना है, सी ये आपका वेस्ट, यहाँ तक आपको ये लाइन बनानी है, एंड जो यहाँ से जो बस्ट है, ये आपको एल्बो, ये ऐसे आप एक सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं जिससे आपको पता चल जाए। अब ये इसका हैंड जो है गाइस, सी ये थोड़ा सा ये, इस तरीके से ये हैंड इस तरीके से मूव होता है गाइस, ये यहाँ से ये हैंड, और इसको थोड़ा और हम ये यहाँ पर हुआ लाइक दिस, और इसके ये जो पॉम सी, तो ये हैंड कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो होगा, और ये लाइन आपको यहाँ से इरेज करनी रहेगी, बीच में जो एल्बो में जो फोल्ड हो बैंड आ रहा है ये सी ऐसे, बस यहाँ से आपको एक जो एल्बो पार्ट शो करना है, ये आपका हैंड पूरा ऐसे यहाँ इस तरीके से हो जाएगा, ये इस साइड में मूव है। अब ये वाला हैंड में आपको जो मूव हो रहा है लाइक इसकी हम मेंशन कर देते हैं, तो ये आप अच्छे से समझ लेंगे इसका
जो पार्ट है, तो यहाँ ये हैंड को बनाने के लिए ये जो टेक्निक यूज़ होती है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है गाइस। एक तो ये मैंने आपको सिखा दी है टेक्निक, दूसरे मैं आपको एक टेक्निक और बता दे रही हूँ। लाइक जैसे दिस पार्ट, सबसे पहले आपको दोनों हैंड स्टैंड हैं तो एक कुछ इस तरीके से ये वाला, और यहाँ पे मैं बता देती हूँ, तो ये हैंड आपका ये यहाँ से ये वाला शोल्डर जो है ये अप है, सी दिस इज़ द अप शोल्डर, सी अप, एंड यहाँ से क्या करना है, सी अप है, ये यहाँ लाके इसको एक सर्कल बना देना है ऐसे, सी लाइक ऐसे अप हो रहा है, और फिर हमें सी यहाँ से ये रिस्ट आपका ये एक सर्कल, छोटा सर्कल, और यहाँ से आपका जो हैंड है ये पॉम को लाइक ऐसे। तो ये हैंड का सिर्फ इस तरीके से आप अगर प्रैक्टिस करेंगे ना फ्री हैंड से, तो बहुत ही अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी लाइक दिस। ये देखिए किसे भी आप अपने हिसाब से इसे ये इस तरीके से है, और दूसरा हैंड ये एक इस तरीके से हैंड आया है लाइक दिस। तो अब ये सम ऐसे होता है ना, कुछ दूरी पे ये हैंड होता है, मैं आपको सिखा दूँ ये हैंड का पोर्शंस, लाइक मैं पूरे बना करके दिखाना चाह रही हूँ, लाइक एक ही पोस्चर्स को लूँगी। ये आगे फर्दर जब स्टडी करेंगे ना उसमें आप सीख लेंगे, सी ये तो आपको बहुत ही इजी रहेगा ये सीखना गाइस। ओके तो दिस इज द शोल्डर। अब सम टाइम ऐसे होता है कि कुछ कंफ्यूजन होता है लाइक ये यहाँ आ रहा है इतना ऊंचा हो गया मैम कैसे होगा, तो वेरी इजी, ये शोल्डर अप है। ओके ये शोल्डर यहाँ अप है और ये इस तरीके से ये हैंड इसका थोड़ा हम इसको यहाँ से ले रहे हैं और ये एक सर्कल दिया, सी ये हैंड, सी कुछ यहाँ ऐसे, और ये हैंड हैंड ये पूरा बस इस तरीके से आपको ये लाइन इस यहाँ पे ड्रॉ करना है, ये नीचे से इसे एक छोटा सा कर देना है। ओके सी तो ये हैंड कुछ इस तरीके से यहाँ शो होगा, इसको और अच्छे से बना सकते हैं, अभी हम आपको रिस्ट हैंड का पोस्ट बनाना बता रहे हैं, तो यहाँ से ये हैंड ऐसे जा रहा है। अब ये वाला हैंड, तो ये हैंड पोजेस जो होते हैं लाइक ऐसे, इसमें बहुत ये मूव कैसे करेगा मैं आपको इसको मूव करना भी बता देती हूँ। सी मूव के लिए क्या होता है ना कि ये यहाँ से मूव हो जाएगा, सी लाइक ऐसे, और ये ऐसे कर्व, ये यहाँ से कर्व, किस तरीके से कर्व जाना ये मैं आपको दिखा दूँ, जो मूव हैंड होता है लाइक ऐसे, बस उसको यहाँ से ये ऐसे, और यहाँ उठा हुआ जो हैंड है ऐसे यहाँ से ये ऐसे इस तरीके से, और यहाँ से इसको ये ऐसे, और सी ये इस तरीके से मूव करते हैं, और प्रॉपर यहाँ ये नेक का शोल्डर जो है ऐसे, और ये ऐसे, और यहाँ से ऐसे, बस इतना मूवमेंट, सी ये आपका रिस्ट, ये हैंड इसका जो है यहाँ सर पे दिखेगा, तो ऐसे आप इसको बहुत इजी वे में दिखा सकते हैं, तो ये ऐसे
ये दो तीन इसके हैंड पोजेज मैंने यहाँ आपको इजी वे में ड्रॉ करना, कोई इसके लिए आप वो नहीं रखिए कि आपको ये सब इसको इतने अच्छे से बनाना है। तो ये हैंड पोज नंबर वन, नंबर टू ये स्ट्रेट हैंड आप इसे दिखा सकते हैं लाइक ऐसे, इसको मार्कर फाइनल टच दे देते हैं शेडिंग के साथ में। सी ये आपके बाइसेप्स को क्लियर ऐसे पूरा स्ट्रेट ऐसे थोड़ा इसमें बस कर्व की स्टडी करते रहिए जो मैंने आपको बताए हैं। ओके ये बहुत ही सी लाइक ऐसे, ये मैंने आपको पोज नंबर ये टू, पोज नंबर थ्री एंड पोज नंबर दिस इज़ फोर एंड दिस इज़ फाइव, और एक पोज मैं आपको और बता देती हूँ लाइक ये ज़्यादातर यही पोज यूज़ होते हैं। आप इसको जैसे आप ये आपका ये क्रॉच पर मैं आपको यहाँ से गाइस तो आप इसमें अपने हिसाब से इसको और अच्छे से बना सकते हैं ये हैंड को थोड़ा सा। इस तरीके से आपके ये हैंड पोजेस आ जाएंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करिए इनकी तो ये सारे पोजेस जो आप चाह रहे हैं वैसे बन जाएंगे। पूरा ऐसे तो ये बहुत अच्छे से आप अपना आउटपुट दे सकते हैं। इसमें इसकी बेस्ट को थोड़ा और तो गाइस देख सकते हैं एरो, ये कर्व को आपको स्टडी करनी है कर्व किधर गया है, ये कर्व जो जाते हैं ना ये लाइक बॉडी के जो कर्व्स हैं मैं आपको बार बार इसमें बता रही हूँ। कर्व पे अगर आपका लाइंस हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये कर्व गया तो इनको आप ये डाउन आया तो ये सर्कल यहाँ क्रिएट हुआ तो ये इन सब की स्टडी अगर आप कर लेंगे ना तो ये आप एक अच्छे से इन्हें कर पाएंगे। ओके गाइस तो देखा कितना इजीली जब हमारी प्रैक्टिस हो जाती है तो फ्री हैंड से इस तरीके से हम अपना ये हैंड पोजेस को ड्रॉ करते हैं। तो खाली टाइम में बैठिए जो मैंने आपसे कहा है कर्व की स्टडी एंड लाइन डायगनली स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल क्योंकि इन्हीं के थ्रू आपका प्रोपोर्शन रेडी होता है, सारे पोजेस रेडी होते हैं। तो ये हैंड के पोजेस मूवमेंट इस तरीके से सीखेंगे ना तो डे बाय डे आप उसी स्टेज पे आ जाएंगे जो आप चाह रहे हो, एक अच्छा इलस्ट्रेटर आपके नाम के आगे एक इलस्ट्रेटर लग जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डेली प्रैक्टिस करें, आप अपने आप को वन आवर एटलीस्ट दें, गिव योर सेल्फ वन आवर, तो इससे सब कुछ भूल जाइए। बी कूल एंड काम एंड पिक योर पेंसिल एंड स्टार्ट लाइन, ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, सिर्फ लाइन ड्रॉ करिए। एक दिन ड्रॉ करेंगे सेकेंड डे फिर आपको पूरा का पूरा ये प्रोपोर्शन ड्रॉ हो जाएगा, आपके फॉल्स स्ट्रेप सब आपको ईजीली आ जाएंगे। होप यू इन्जॉय टुडे ब्लॉग, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल पे जो लोग नए आए हैं प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।